पंचायती राज व्यवस्था को ठोस बनाने पर जोर, संजय ने जोश भरा कार्यकर्ताओं में। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पंचायती राज व्यवस्था को सत्ता तंत्र की धुरी बताते हुए कहा कि यह विकेंद्रीकरण की बुनियाद है और हमारे कार्यकर्ताओं को इसे मजबूत करने में जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने प्रशासन के विकेंद्रीकरण के लिए बिहार में पंचायती राज में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। बिहार में महिला आरक्षण के जरिए न सिर्फ पंचायतों को बल्कि महिलाओं को भी सशक्तिकृत किया है। आज पूरे पंचायत के फैसले ले रही हैं, निर्णय कर रही हैं, विकास की योजनाएँ बना रही हैं। डॉक्टर जायसवाल ने पंचायती राज के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो पांच पांच पंचायत का भ्रमण कर उनके प्रतिनिधि से मिले एवं उनको अपनी विचारधारा से जोड़े। सरकार द्वारा पंचायतों के विकास के लिए की जाने कार्यों एवं जन भागीदारी के को प्रेरित करे। पंचायतें यदि सुदृढ़ रहेंगी तो गाँव सुखी समृद्ध बनेंगे और गाँव समाज सुखी रहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की भी चर्चा की और कहा कि उनको सुनना हमेशा दलक रहा है। यह एक और जनता से जुड़ने का कनेक्ट हमें सिखाता है तो दूसरी तरफ देश के पीएम के मन में क्या चल रहा है, किन मसलों को लेकर वह चिंतन कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी देता है। आज बोलते हुए मोदी जी ने हमारे पर्व और पर्यावरण पर भी चर्चा की। उन्होंने इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा नाता रहने की बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडीएफ न्यूज, पटना।